Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने इस कोर्स के साथ जिसका टाइटल है अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान के इस कोर्स टाइटल का आज ये दसवां लेक्चर यानी सत्र नंबर दस है और इसमें जो हमारा टॉपिक है आज वो है साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ और अपने पिछले सत्र में हमने ये चर्चा की और जानने का प्रयास किया कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है यानी नैदानिक मनोविज्ञान वो किस प्रकार से कार्य करता है उसमें क्या क्या मूलभूत बातें हैं और किस प्रकार से जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करने में जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिनको हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के तौर पर भी जानते हैं तो वो किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में ताकि जो आम लोग हैं जो इस समस्या से कभी किसी मानसिक समस्या से जो जूझते हैं या उसका सामना करते हैं उन सभी के लिए वो किस प्रकार से उनकी समस्याओं को कम किया जाए किस प्रकार से उनको आगे इस तरह की समस्याएं ना हों इस पर वो निरंतर कार्य करते रहते हैं और उसी की चर्चा को हम और विस्तार यहां पर देंगे और आज हम इस क्षेत्र में जो मेंटल हेल्थ से संबंधित मनोविज्ञान में जो और इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशंस हैं जो टॉक करेंगे तो हमारा जो पहला टॉपिक आज का है का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान में जो मेंटल हेल्थ सर्विस से संबंधित उनकी जो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी आप एक सामान्य उदाहरण के साथ अगर समझें तो कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको किसी को वायरल फीवर हुआ बोन क्रैक हो गया यानी कि उसका किसी एक्सीडेंट में या किसी भी कारण से मेडिकल कंडीशंस हैं जिनको हम टिपिकली मेडिकल कंडीशंस कहते हैं इसमें के तहत से उसको क्योर किया जा सकता है और ये अपने आप भी तरह से जो बोन क्रैक है वो भी हम उसको चाहें तो देख सकते हैं टूटी हुई है और वो आ, आफ्टर जो हम कह सकते हैं कि के बाद वो पुनः अपने जगह पर जुड़ गई है यानी कि यहां पर भी हम देखते हैं से पॉसिबल है और रिकवरी जो है वो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट यहां पर हमारे पास ये विकल्प है चेक करने का और देखने का कि जो समस्या व्यक्ति को हुई थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई है यानी उसकी रिकवरी हो गई है लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मनोविज्ञान के सामने या मनोवैज्ञानिकों के सामने या जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनके सामने एक ये समस्या आती है और वो समस्या ये है कि ये सुनिश्चित करना कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जिस भी इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम हुई थी क्या वो उससे पूरी तरह से रिकवर हो गया यानी कि क्या वो समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो गई क्या वो समस्या दोबारा नहीं आएगी और उससे होने वाली जो समस्याएं थी क्या वो समस्याएं दोबारा नहीं आएंगी तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि एक निष्कर्ष पर पहुंचना इस प्रकार के मेंटल हेल्थ सर्विस में जो भी लोग जुड़े हैं इससे वो इस तरह की किसी भी कंक्लूजन पर कभी नहीं पहुंच सकते उसका रीज़न ये है कि बहुत मुश्किल होता है ये बता पाना कि मेंटल हेल्थ जो समस्या हो रही थी वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है क्योंकि ये केवल मैनिफेस्टेशन इसका होता है यानी इसकी जो इसकी वजह से जो समस्याएं हो रही हैं आम जीवन में केवल हम उनको देख पाते हैं कि वो समस्याएं अब कम हो रही हैं या उस तरह की समस्याएं अब नहीं आ रही हैं लेकिन वास्तव में जो उसका रूट कॉज है क्या हम उसको ठीक कर पाते हैं कभी भी पूरी तरह से क्या हम ये एश्योर हो सकते हैं कि हमने रूट कॉज को ढूंढ लिया है और पूरी तरह से ठीक कर दिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा संशय हमेशा बना रहता है और इस वजह से जब हम बात करते हैं कि रिकवरी जो आस्पेक्ट है किसी भी मेंटल हेल्थ सर्विस में जो रिकवरी का आस्पेक्ट है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान दिया जाना ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को भी और जो इस सर्विस को यूज़ कर रहा है यानी कि वो व्यक्ति जो इस तरह की समस्या से जूझ रहा है और वो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास गया है उसी तरह से जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो उसके फ्रेंड्स हैं या जो भी वहाँ पर कंसर्न पार्टी है वो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस कभी ना रखें कि उनकी जो ये प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से इसको इरेडिकेट किया जा सकता है या इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है हाँ ये ज़रूर है कि उनकी जो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी हम कह सकते हैं कि जो समस्या का जो उनको जिसकी वजह से उनके आम जीवन में उनको तकलीफ हो रही है या उनकी रूटीन लाइफ में जो उनको समस्याएं आ रही हैं उसको हम बहुत हद तक बहुत हद तक सुधार सकते हैं या उसको हम इस लेवल तक ज़रूर ला सकते हैं कि वो रूटीन अपना जो डेली फंक्शन है उसको वो पुनः अच्छे तरीके से कर पाए तो हमारी एक्सपेक्टेशंस इस तरह की जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है या इस तरह की जो ओवरऑल एक्टिविटी है मेंटल हेल्थ सर्विस की उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए ना कि हमें इससे कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की अपेक्षाएं रखनी चाहिए कि आगे चल करके हमें निराशा हो इसके बाद जब हम बात करते हैं कि रिकवरी के लिए कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रिकवरी को अफेक्ट करते हैं यानी उसे प्रभावित करते हैं तो जब मेंटल हेल्थ सर्विस के दौरान जो कुछ फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार हैं होप अ सिक्योर बेस सेल्फ सपोर्टिव रिलेशनशिप एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन, कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड मीनिंग तो अब हम यहाँ पर फिर से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर होप से उम्मीद ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है उसे अपने इस पूरे प्रोसेस में प्रोसेस के दौरान जो इंडिविजुअल है उसे अपनी होप नहीं खोनी चाहिए या उसको हमेशा अपनी होप्स को मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि वहीं से उस व्यक्ति को एनर्जी मिलेगी और ये उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि वो इस समस्या से या इस समस्या भरे फेस से बाहर आ सकता है यानी कि यहाँ पर जो ज़रूरी है वो ये है कि हमेशा ये एक अपने अंदर ये बिलीफ रखना और ये विश्वास रखना कि व्यक्ति जो जिस समस्या से आज जूझ रहा है आगे चल करके वो इस समस्या से निजात पालेगा या इसको ओवरकम करेगा तो इस तरह का जो एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है यानी कि इस समस्या से बाहर आने के लिए जो एक उम्मीद की किरण है वो व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखनी चाहिए अदरवाइज़ जो रिकवरी का जो उसके चांसेस हैं या जो उसकी समस्या के दूर होने की जो संभावना है वो काफ़ी इससे अफेक्टेड होती है नेगेटिवली अगर वो व्यक्ति उसकी होप लो है तो उसकी जो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं रिकवरी होगी या जो उसका ओवरऑल जो इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस से जो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा इसके बाद अ सिक्योर बेस यानी कि एक व्यक्ति को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सिक्योर बेस उसके पास होना चाहिए और यहाँ सिक्योर बेस से हमारा तात्पर्य है उसकी चाहे इनकम हो या उसके पास जो शेल्टर यानी घर की जो उसकी व्यवस्था हो इस प्रकार की जो मूलभूत उसकी आवश्यकताएं है, हैं जो बेसिक नीड्स हैं वो उसकी पूरी तरह से सिक्योर होनी चाहिए और यदि ये उसकी मूलभूत आवश्यक आवश्यकताएँ सिक्योर नहीं होंगी तो वो व्यक्ति का जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी बेहतर नहीं होगा इसके बाद सेल्फ यानी जो व्यक्ति है उसको अपने सेल्फ पर विश्वास यानी ख़ुद का एक अपना उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है जो सेल्फ को लेकर के उसका एक अपना कॉन्फिडेंस है वो चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं और खुद पर विश्वास अपने काबिलियत पर विश्वास और इस फेज़ से बाहर निकलने के लिए जो सेल्फ की उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है ये सभी को उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ वो अगर अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लूज़ कर देगा इस पूरे फेज़ में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है व्यक्ति यदि वो इस दौरान अपने सेल्फ को लूज़ करता है तो कहीं ना कहीं उसका ओवरऑल रिकवरी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होंगे इसके बाद सपोर्टिव रिलेशनशिप और सपोर्टिव रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति जिनके साथ रहता है यानी अपने फैमिली मेम्बर्स अपने लाइफ पार्टनर या उसके जो भी पेरेंट्स हों या उसके सिबलिंग्स हों या उसके कलीग्स हों जो भी वहाँ पर उसको उसका एक सोशल सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं यानी कि उसकी लाइफ के वो लोग जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो ऐसे में ये लोग यदि वहाँ पर एक सपोर्टिव उसको एन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उस व्यक्ति की रिकवरी ज़्यादा बेहतर होगी उस व्यक्ति के मुकाबले जिसको इस तरह का सपोर्टिव एनवायरमेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सपोर्टिव एक्टिविटी है जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं तो उनसे सपोर्टिव हमें हमें कह सकते हैं कि रिलेशनशिप हमारा होना बहुत आवश्यक होता है और ये एक बेहतर रिकवरी के लिए हम कह सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है इसके बाद एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझता है उसके बाद ये ज़रूर है कि वो उसकी ओवरऑल जो रूटीन लाइफ थी वो डिस्टर्ब हुई है वो कहीं ना कहीं एक अपने जो ओवरऑल लाइफ में उसके एक डिस्टरबेंस आई है और इस कारण से उसकी जो कह सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में जो उठना बैठना है जो उनसे मिलना जुलना है वो बहुत हद तक प्रभावित होता है लेकिन एक बार उस समस्या से बाहर आने के बाद वो व्यक्ति जिसके बारे में लोग अब ये जानते हैं कि इसने किसी तरह की कोई मेंटल हेल्थ सर्विस ली है यानी कि ये किसी तरह की समस्या से पहले जूझ रहा था या जूझ रही थी और अब ये वहाँ से वापस आया है रिकवर होके तो ऐसे में उस व्यक्ति को कुछ लोग असहाय दृष्टि से कुछ लोग उसको सिंपथेटिक वे में और कुछ लोग उसको इस तरह से देखेंगे कि जैसे वो कोई डिफेक्टेड पर्सन हो तो यहाँ पर इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक हो सकती हैं और ऐसे में उस व्यक्ति का एम्पावर होना और वापस से जिस सिस्टम में वो था यानी कि जो उसकी सोसाइटी थी जो उसके ग्रुप्स थे जो उसका ओवरऑल रूटीन लाइफ थी उसमें वापस इस्टेब्लिश होना और विदाउट एनी सोशल टैबू यानी कि किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव आस्पेक्ट उसके इस पूरे प्रकरण की वजह से उसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए तो इस प्रकार की जो जो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो उस व्यक्ति की ओवरऑल रिकवरी को फैसिलिटेट करता है इसके बाद हम बात करते हैं कोपिंग स्ट्रेटजीज की क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर समस्या की वजह से किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास यदि जाता है और भविष्य में जब वो ठीक होकर वहाँ से आता है तो इस बात की बहुत संभावना है कि फिर से आगे चल करके उसकी लाइफ में इस तरह की कोई समस्या आ सकती है या इस तरह की कोई कंडीशंस आ सकती हैं जो फिर से उसको ऐसा चैलेंज उसके सामने प्रस्तुत करेंगी जिसकी वजह से उसे ये लग सकता है कुछ देर के लिए कि क्या फिर से उसको अब वही समस्याएं दोबारा होंगी तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज़ हैं वो पिछली बार से बेहतर होनी चाहिए यानी कि वो व्यक्ति ज़्यादा तैयार होना चाहिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना चाहिए और उसके पास बेहतर रणनीति होनी चाहिए इस तरह की समस्याओं से फिर से जूझने की और उभर कर बाहर आने की तो ये जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं इनका डेवलप किया जाना उस व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है ताकि फ्यूचर में इस तरह की जब भी कोई समस्या हो उस व्यक्ति को तो वो उनसे सकुशल हम कह सकते हैं कि लड़ सके या उनसे आ, उभर कर बाहर आ सके इसके बाद मीनिंग यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जो व्यक्ति है जो इंडिविजुअल है जो इस समस्या से सफ़र किया है जिसने वो अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर वो मीनिंग ना लूज़ करे यानी कि वो इस पूरे प्रोसेस को पहले तो ज़रूरी समझे उसके बाद वो ये भी समझे कि आगे जो मेरी लाइफ है वो इस पूरी एक्टिविटी होने के बाद यानी कि ये सर्विस लेने के बाद मेरी जो आगे की लाइफ है वो बेहतर होगी और ये जो पूरी यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो पूरी एक्टिविटी हम कर रहे हैं ये मेरे जीवन के लिए मेरे लिए मेरी लाइफ के लिए बहुत ही मीनिंगफुल होगी तो इस प्रकार का जो उसका अप्रोच है ये भी उसकी ओवरऑल रिकवरी को फैसिलिटेट करता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रिकवरी मॉडल है उसके अनुसार जो मेंटल हेल्थ सर्विस में किस प्रकार के फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान दिया जाना ज़रूरी है और हम इसी के साथ जो भी व्यक्ति इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं या इस तरह की समस्याएं उनको उनके जीवन में है वो कहीं ना कहीं इनसे बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं या इनसे बेहतर तरीके से वो कह सकते हैं कि बाहर आ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे मेंटल सर मेंटल हेल्थ सर्विस किस प्रकार से उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उसमें सर्वप्रथम है असेसमेंट यानी कि जो व्यक्ति है उस जो आपके पास आया है कोई भी उसको हम क्लाइंट कह सकते हैं उसको हम पेशेंट भी कह सकते हैं यूजुअली जो क्लाइंट शब्द है उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसके कई रीज़न है उसमें पहला रीज़न ये है कि जो व्यक्ति है अगर आप उसे एक क्लाइंट के तौर पर ट्रीट करेंगे यानी उसे आप एक पेशेंट ना मानते हुए एक इंडिविजुअल के तौर पर अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और ये ओवरऑल उस व्यक्ति के लिए भी ये एक बेहतर अप्रोच होगा तो सर्वप्रथम जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है अगर वो कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या कोई साइकेट्रिस्ट है तो उनके लिए जो सबसे पहला कार्य होता है वो असेसमेंट यानी कि ये आकलन करना ये मूल्यांकन करना कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से सिम्टम्स हैं और वो किस तरफ इशारा करते हैं यानी कि वो किस आ, इंडिकेट कर रहे हैं किस प्रॉब्लम की तरफ तो इस प्रकार का जो ओवरऑल जो असेसमेंट है वो बिहेवियरल लेवल पे भी हो सकता है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकता है वो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा उस कॉन्टेक्स्ट पे उस व्यक्ति के ऊपर तो इस प्रकार की जो ओवरऑल असेसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है और ऐसे में एक आस्पेक्ट जो होता है या पर्स्पेक्टिव हम उसको कह सकते हैं वो है डायग्नोसिस का और डायग्नोसिस में यूजली उस व्यक्ति के अंदर उन सिम्टम्स को तलाशा जाता है या उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाता है जो उसके अंदर वहाँ पर उस समय मौजूद हों या जो वो व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा हो उसके बाद क्लिनिकल इंटरव्यू यानी कि बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो सिम्टम्स हो सकते हैं मौजूद परंतु वो व्यक्ति यानी जो इंडिविजुअल उन समस्याओं से जूझ रहा है वो कई बार उनसे डायरेक्टली अवेयर नहीं होता कि ये वाकई में एक सिम्टम है या उसको ये बात यहाँ पर बतानी चाहिए या फिर कई बार उनके जो अपने ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो उनका पर्सनल ओपिनियन होता है वो वो तो बताते हैं लेकिन जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो कई बार वो वहाँ पर नहीं बताते इसके कई रीजंस हो सकते हैं ये उसकी झिझक भी हो सकती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर के उसकी एक हम कह सकते हैं कि उसकी चिंता हो सकती है या फिर ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उसको उसके बारे में उतना आइडिया ही नहीं है कि वो उसको उन बातों को बताए तो इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि क्लिनिकल इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण प्रोसेस की तरह यहाँ पर यूज़ किया जाता है जिससे हम जो व्यक्ति है उसकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम उसके उसी के उसी से बातचीत करके उस इंटरव्यू की प्रक्रिया के दौरान उसको बाहर निकालते हैं इसके बाद केस हिस्ट्री यानी उस व्यक्ति की पूरे जीवन से संबंधित जो भी घटनाएँ हैं जो भी उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या उस प्रॉब्लम से संबंधित हो सकती हैं या होने की संभावना है उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करना उस व्यक्ति की लाइफ में जो भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हों उन सभी को एक उसका हम कह सकते हैं संकलन करना और इस तरह की जो पूरी ये प्रक्रिया है ये यानी कि उस इंडिविजुअल की एक केस स्टडी बनाना और ये हमें महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब उस इंडिविजुअल के रियल रूट कॉज को हम जानना चाहते हैं तो इस प्रकार का भी अप्रोच किया जाता है उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और यहाँ पर जो वेरियस वैलिडेटेड एंड रिलायबल साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं बैटरीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू हम जो इंडिविजुअल का असेसमेंट चाहे वो उसका इंटेलेक्चुअल असेसमेंट हो चाहे वो उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट हो चाहे वो उसके एटीट्यूड्स का असेसमेंट हो चाहे वो उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग से रिलेटेड उसका असेसमेंट हो या उसके इमोशनल जो जो उसकी स्टेट है उसका असेसमेंट हो तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पास साइकोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हैं जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास एंग्जाइटी डिप्रेशन और इस प्रकार की तमाम इमोशनल डिस्टर्बेंसेज और इस तरह के और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं और एज ए प्रोफेशनल उसमें से किस टूल का हम यूज़ करेंगे वो केस टू केस डिपेंड करता है तो इस तरह के बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के प्रोसीजर्स हैं उनको भी यहाँ पर अप्लाई किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट तो असेसमेंट की ये जो प्रक्रिया है इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं यानी उस व्यक्ति से संबंधित जितनी भी ज़रूरी सूचनाएं हैं वो सब हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और उसके आधार पर हम उस व्यक्ति का असेसमेंट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा फॉर्मुलेशन और फार्मुलेशन में हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो कौन सी है और उसको जो उसके कारण हैं जो चाहे तात्कालिक कारण हो या पूर्ववर्ती कारण हो वो कौन से कारण हैं और किन वजहों से वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है यानी कि वो बनी हुई है वो कौन सी वो बातें हैं या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उस समस्या को कह सकते हैं कि बनाए रखने में या उस व्यक्ति के अंदर उस समस्या को एनर्जी दे रहे हैं कहने का मतलब कि उस जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो व्यक्ति फेस कर रहा है वट आर द फैक्टर्स विच आर एक्चुअली मेंटेनिंग दैट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो इस प्रकार की जो ओवरऑल एक फॉर्मुलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी के आधारित होकर के आगे फ्यूचर में उस व्यक्ति की जो भी ट्रीटमेंट होगी वो प्लान की जाएगी इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण तो इसका भाग है वो है इंटरवेंशन और इंटरवेंशन में उस व्यक्ति की जो भी समस्या है उससे रिलेटेड क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकती है क्या पॉसिबल इंटरवेंशन हो सकता है क्या वो काउंसलिंग के रूप में होगा क्या वो किसी थेरेपी के रूप में होगा या वो किसी मेडिकेशन के रूप में होगा या फिर हम किसी प्रकार के और बिहेवियरल चेंजेस करेंगे या क्या हम वहाँ पर प्रपोज करते हैं एज ए ट्रीटमेंट एज एन इंटरवेंशन ये सब चीज़ें इस सेगमेंट में आती हैं और इसके बाद जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होंगे वो उस स्ट्रेटजी को उस इंटरवेंशन को वहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसके बाद जो प्रक्रिया बचती है वो है इवेल्यूएशन की यानी ये मूल्यांकन करना ये जानना कि हमने अभी तक जो भी असेसमेंट किया उसके बेसिस पे जो फॉर्मुलेशन किया और उसके आधार पे जो भी इंटरवेंशन प्लान करके हमने जो इंटरवेंशन वहाँ पर दिया वो कितना प्रभावी रहा यानी कि उस उससे उस इंडिविजुअल उस को कितना फ़ायदा हुआ और वो व्यक्ति अब क्या उसकी समस्याएँ कम हुई हैं या उतनी ही हैं या बढ़ गई हैं इस प्रकार से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इवेल्युएशन के इस कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती हैं यानी कि जो ओवरऑल ट्रीटमेंट अभी तक किया गया है वो सही दिशा में जा रहा है या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या उसका कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ रहा तो इस तरह का जो अप्रोच है वो बहुत ज़रूरी होता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि वी आर प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग दैट पर्सन या इंडिविजुअल यानी कि उस व्यक्ति की जो समस्या है उसके निदान के लिए हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये इंश्योर करना इसी प्रक्रिया यानी इवैल्यूएशन के द्वारा किया जाता है अब इसके बाद हमने जो बातचीत की उसमें हमने मेंटल हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात आज करेंगे और ये डिसऑर्डर जो है दैट इज़ नोन एज सीजोफ्रेनिया यानी मनोविदलता और मनोविदलता जो है ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसको हम कह सकते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति और उसके उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है और कहीं ना कहीं ये उनकी पूरी लाइफ को डिस्टर्प्ट करता है और ये एक बहुत ही मतलब फ्रॉम द वेरी अर्ली बिगिनिंग जब से साइकोलॉजी का उदय हुआ है उस समय से लेकर के आज तक भी ये समस्या जो है इसके बारे में जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस सब के बावजूद इस समस्या को पूरी तरह से इस पर निजात पाना या इसको कंट्रोल करना अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है बट स्टिल जैसा हम अपनी इस चर्चा में आगे देखेंगे कि बहुत हद तक इसको किस प्रकार से इसके जो सिम्टम्स हैं या जो इससे होने वाली समस्याएं हैं किस तरह से उनको कम किया जा सकता है या किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है इस पर बहुत सारे कार्य हुए हैं और उसके बहुत सारे पॉजिटिव हम कह सकते हैं रिजल्ट भी मिले हैं तो आज हम यहाँ पर इसी आ, सीजोफ्रेनिया यानी मनोविधिलता की चर्चा करेंगे सीजोफ्रेनिया इज अ सीवियर डिसऑर्डर दैट इज ऑफेन असोसिएटेड विथ कंसिडरेबल इम्पेयरमेंट्स इन फंक्शनिंग तो जैसा कि इस से विदित हो रहा है कि सीजोफ्रेनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में व्यवहार में होने वाली जो त्रुटियां हैं और हम कह सकते हैं कि जो गड़बड़ियां हैं जो समस्याएं हैं वो बहुत सीवियर लेवल की होती हैं यानी कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है व्यक्ति की वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और ऐसे में उसके लिए एक नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और सीजोफ्रेनिया की जो अकरेंस की जो इंसिडेंट्स हैं वो अक्रॉस द कल्चर अक्रॉस द एज ग्रुप अक्रॉस द हम कहें जो भी कार्य लोग करते हों एम्प्लॉयमेंट में जिसमें भी हों इस प्रकार की किसी भी जो भी कल्चर हों या चाहे वर्क से रिलेटेड लोग हों यानी किस एम्प्लॉयमेंट में वो हैं किस एज ग्रुप में है इन सभी में समान रूप से सिजोफ्रेनिया देखा गया है यानी कि यहाँ पर इस बात का तात्पर्य ये है कि सीजोफ्रेनिया किसी को भी हो सकता है यानी कोई ऐसी पर्टिकुलर कैटेगरी या कोई ऐसा पर्टिकुलर हम ये सेगमेंट नहीं बना सकते कि इनको सीजोफ्रेनिया होगा और इनको सीजोफ्रेनिया नहीं होगा यानी कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है उसके बाद जो सीजोफ्रेनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं कि उसकी ट्रेडमार्क सिम्टम है वो है कि व्यक्ति इसमें जो वास्तविकता है उससे दूर हो जाता है यानी कि द पर्सन और द इंडिविजुअल इसेंशली लूजेज द टच विद रियलिटी और एक्सटर्नल रियलिटी जो है उससे उस व्यक्ति का नाता टूट जाता है और वो क्या सही है क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है इसके बीच की वो जो एक कह सकते हैं कि जो समझ है या जो उसकी अपनी एक क्षमता है इसको आ, देखने की वो खत्म हो जाती है या बहुत हद तक इम्पेयर्ड हो जाती है और इसीलिए इस प्रॉब्लम को या इस समस्या को साइकोसिस की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि साइकोसिस का मीनिंग यही है कि दैट द पर्सन हैज़ लॉस्ट टच विद रियलिटी तो सीजोफ्रेनिया हालांकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं इवन द वेरी अर्ली डॉक्यूमेंट्स उसमें भी इस प्रॉब्लम का जिक्र है यानी कि इवन साइकोलॉजी के एमरजेंस से पहले के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि सीजोफ्रेनिया एक बहुत ही काफ़ी पुराने समय से इस आ, समस्या को रिपोर्ट किया जा रहा है और इस तरह की समस्याएं लोगों में पहले भी थीं और उसका प्रॉपर हम कह सकते हैं उसकी समझ या उसका नामांकन लोगों ने नहीं किया परंतु एक स्विस साइकेट्रिस्ट जिनका नाम यूजन ब्लूवर है उन्होंने एक डायग्नोस्टिक टर्म उस समय जो बीमारी उन्होंने ऑब्जर्व की उसके लिए उन्होंने कहा सीजोफ्रेनिया और यहाँ पर इन्होंने सीजोफ्रेनिया का जो अर्थ था उसको इन्होंने आ, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो स्प्लिट माइंड यानी इसका जो एक्चुअल अर्थ है वो स्प्लिट माइंड तो इस प्रकार से इन्होंने उस समय इस टर्म को यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो बताना चाहा वो ये था कि जो व्यक्ति है वो इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है कि इट सीम्स कि उसका जो माइंड है वो स्प्लिट हो गया है यानी जो उसके थॉट्स हैं वो स्प्लिट हो गए हैं यानी कि उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है वो बिखर गए हैं तो इस तरह से यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि हम कई बार इस तरह की Uh, हो सकता है आपने कभी बातचीत सुनी हो या आगे चल के आप कभी पढ़ें कि एक डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें मल्टीपल पर्सनैलिटी की जो समस्या होती है व्यक्ति को होती है तो वहाँ से और सीजोफ्रेनिया इन दोनों में काफ़ी अंतर है क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति उसका जो व्यक्तित्व है वो एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग व्यक्तित्व हमें देखने को मिलते हैं उस तरह की समस्या में परंतु यहाँ पर सीजोफ्रेनिया में व्यक्तित्व से जुड़ी समस्या नहीं है यह उसके माइंड की जो वर्किंग है यानी जो उसके थॉट प्रोसेसिंग है उससे संबंधित है और यहां पर जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपने माइंड के लेवल पर अपने थॉट्स को इंटीग्रेट नहीं कर पाता और क्या रियल है और क्या हाइपोथेटिकल है यानी क्या काल्पनिक है उनके बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता इसके बाद सीजोफ्रेनिया में जो ऑब्जर्व किया गया है वो है दैट देयर इज़ ए स्प्लिट विद इन इंटेलेक्ट इमोशन एंड एक्सटर्नल रियलिटी जैसा कि मैं अभी आपको ये चीज़ बता रहा था कि सीजोफ्रेनिया के अंदर जो व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस का लेवल है यानी जो उसकी बुद्धिमत्ता है वो उसके जो संवेग हैं उसके जो इमोशंस हैं फीलिंग्स हैं और जो उसकी एक्सटर्नल रियलिटी के साथ जो उसकी एक हम कह सकते हैं जो उसका एहसास उसे होता है ये सभी ब्रेक हो जाता है और इस वजह से वो व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ यानी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता इसके बाद सीजोफ्रेनिया से ही जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं दैट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीजोफ्रेनिया ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ टाइम इज लेस देन वन परसेंट हालांकि ये नंबर हमें यहां पर बहुत कम लग सकता है कि ये एक परसेंट से कम है परंतु इस एक परसेंट में कौन आएगा इस बात की कोई भी हम सटीकता से इसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इसलिए ये जो रिस्क है ये लगभग लगभग सभी के लिए एक समान है तो ओवरऑल ये बीमारी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है बट स्टिल चूँकि ये बीमारी या ये सिज़ोफ्रेनिया जो है ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप में इतनी गंभीर है कि इस तरह के जो केसेस आते हैं वो कहीं ना कहीं उस एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास, उसके पूरे जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उन सभी को ये प्रभावित करते हैं इसके बाद इंडिविजुअल्स हु हैव पेरेंट्स विद सीजोफ्रेनिया आर मोर लाइकली एट रिस्क यानी कि जिसकी फैमिली में इस तरह के लोग होंगे खास करके उसके माता पिता जिनको सीजोफ्रेनिया हुआ है या सीजोफ्रेनिया की उनके सिम्टम्स हैं तो उनके आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं जो जनरेशन्स हैं उनको भी सीजोफ्रेनिया होने के जो चांसेस होंगे या लाइक्लीहुड होगा वो ज़्यादा होगा इसके बाद सीजोफ्रेनिया से ही जुड़ा हुआ एक और तथ्य है और वो ये है कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी उम्र के जिनकी बर्थ के समय पर उनके पिता की आयु पचास पचास वर्ष या उससे अधिक थी इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी अंदर सीजोफ्रेनिया डेवलप होने के जो चांसेस हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर होती है इसके बाद एक और फैक्ट है एंड दैट इज़ अबाउट जेंडर डिफरेंसेस इन सीजोफ्रेनिया और ये देखा गया है कि यूजुअली पुरुषों में जो सीजोफ्रेनिया की जो सीवियरिटी है जो इंटेंसिटी है सीजोफ्रेनिया की वो पुरुषों में ज़्यादा होती है और ये लगभग पच्चीस वर्ष की उम्र में ये पीक करती है और उसके बाद आफ्टर थर्टी फाइव ये डिक्लाइन करती है और ये आगे आने वाले वर्षों में काफ़ी कम हो जाती है यानी कि जो लाइवलीहुड ऑफ अकरिंग अकरेंस ऑफ सीजोफ्रेनिया इन मेल पॉपुलेशन वो कम होता है कंपेयर टू फीमेल पॉपुलेशन लेटर स्टेज में ऑफ द लाइफ लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो वुमेन uh, है उनका आगे चल करके जो सीजोफ्रेनिया होने की जो उनकी प्रॉबेबिलिटी है वो फ्लैट आउट नहीं करती बल्कि वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड फोर्टी ईयर्स और फोर्टी फाइव ईयर्स जो कि उनके मेनोपॉज से भी जुड़ा हुआ है इस तरह के इस स्टेज के समय उनके अंदर फिर से एक देखा जाता है सिज़ोफ्रेनिया को uh, हम कह सकते हैं कि होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उस समय फिर से बढ़ जाती है हम इसको एक ग्राफ की मदद से समझने का प्रयास करेंगे अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो एज यहाँ पर हमें दिख रही है ये ईयर्स में है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया है या उनकी जो सीवियरिटी है वो किस लेवल की है यानी कि ये अलग अलग लेवल्स की होती है और हम ये देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स की सीवियरिटी है वो किस समय पे पीक कर रही है और ये जो लाइन है ये दर्शा रही है मेल पॉपुलेशन की जो पॉसिबिलिटी है सिजोफ्रेनिया होने की और ये जो सेकेंड लाइन है ये फीमेल पॉपुलेशन की सीजोफ्रेनिया होने की जो टेंडेंसी है उसको यहाँ पर दर्शा रही है अब ये यहाँ पर देखने लायक है जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पीक हम देख सकते हैं कि ये जो मेल की अंदर जो पीक होने का जो सीवियरिटी होने का वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो पीक फीमेल्स में आता है यानी फीमेल्स के अंदर जो सिम्टम्स प्रदर्शित होंगे सीजोफ्रेनिया के वो उतने सीवियर नहीं होंगे कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन लेकिन हम जैसा यहां पर देख रहे हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज इस एज के अराउंड थर्टी टू थर्टी फाइव के बीच में मेल पॉपुलेशन में ये जो सीजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं या आगे चल करके सीजोफ्रेनिया के जो अकरेंस के जो केसेज हैं वो कम हो जाते हैं यानी कि जो अकरेंस की हम बात कर रहे हैं अकरेंस कि जो इंसिडेंट्स होते हैं वो आफ्टर दिस पर्टिकुलर एज वो कम हो जाते हैं और ये आगे भी चल करके ये कम ही रहते हैं लेकिन फीमेल पॉपुलेशन के लिए जो अकरेंस की पॉसिबिलिटी है वो आगे चल करके फिर से और ये जो पर्टिकुलर एज है 45 टू 50 के बीच की ये मीनोपॉस की एज होती है और यहाँ पर फिर से ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उनके अंदर सीजोफ्रेनिया के जो होने की संभावना है वो बढ़ जाती है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे ये जो ओवरऑल जेंडर है ये किस तरह से सिज़ोफ्रेनिया होने की जो संभावना है या जो पॉसिबिलिटी है वो किस तरह से जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होती है इसके बाद सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया की जब हम बात करते हैं तो सिम्टम्स में जो सिजोफ्रेनिया के पहला जो महत्वपूर्ण सिम्टम है वो है डिल्यूज़न यानी कि भ्रम और ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति जो उसके थॉट के कंटेंट्स हैं उनमें वो डिस्टरबेंस महसूस करता है यानी कि वो अपने विचारों में किसी भी प्रकार की कोई सिंक्रोनी नहीं बना पाता यानी कि वो अपने विचारों पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता और कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति में रहता है जब वो रियलिटी यानी कि जो वास्तविकता में सही है और जो उसे सही लग रहा है उसके बीच वो डिफरेंस नहीं कर पाता और इसके कुछ पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि इसके आ, जो डिल्यूजन के जो केसेस होते हैं उसमें किस प्रकार की उनके अंदर थॉट्स आते हैं वो हम यहाँ पर उसकी आ, चर्चा करते हैं पहला जो उनके अंदर थॉट होता है वो अक्सर होता है कि दैट दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट्स और यहाँ पर इससे तात्पर्य ये है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को ये लगता है कि जो उनके थॉट्स हैं उस पर किसी और का नियंत्रण हो रहा है उनके जो एक्शंस हैं वो उस पर कोई और कंट्रोल कर रहा है यानी कि कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं जिस प्रकार से वो सोच रहे हैं या जो काम वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई और दूर बैठा व्यक्ति उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है इसके अलावा थॉट ब्रॉडकास्टिंग उन्हें ये भी भ्रम होता है कि वो जो भी सोच रहे हैं वो बाहर लोगों को आसानी से पता चल जा रहा है यानी कि कोई व्यक्ति है बैठा हुआ बाहर दूर जो उनकी बातों को उनके थॉट्स को सुन ले रहा है और इस वजह से उसके जो विचार हैं वो प्राइवेट नहीं रह गए हैं कहीं ना कहीं सबको उसके बारे में पता चल जा रहा है और कोई दूर बैठा व्यक्ति उसके विचारों को पढ़ ले रहा है तो इस प्रकार के भी भ्रम उन्हें होते हैं इसके बाद जो तीसरा डिल्यूजन का एक और क्राइटेरिया है वो है थाट इन्सर्शन इस प्रकार के लोगों को कई बार ये भ्रम हो जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके अंदर अपने विचार डाल रहा है यानी उनके माइंड में अपने कोई विचार फीड कर रहा है जिसकी वजह से उनके अंदर वो विचार आ रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि दे आर नॉट ओनली बींग कंट्रोल्ड बाई अदर्स बल्कि उनके अंदर दूसरे लोग अपने विचार भी डाल रहे हैं और इस वजह से जो उनके विचार इस समय दिमाग में हैं वो उनके अपने विचार नहीं हैं बल्कि किसी और के विचार हैं तो इसके बाद एक और जो सिम्टम देखा जाता है इस तरह के इंडिविजुअल्स में वो है थॉट विड्रॉल यानी कि ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी ये लगता है कि उनके जो विचार हैं उनको चुराया जा रहा है यानी कि उनके विचार उनसे छीन लिए जा रहे हैं और इसीलिए उनके पास कोई विचार नहीं है या उनके पास किसी भी तरह का कोई थॉट नहीं है तो ये कई बार इस तरह की उनके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है उसके बाद डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और ये जो एक प्रकार का सिम्टम है इसमें कई बार उनको ये गलत फहमी हो जाती है ये भ्रम हो जाता है कि जो भी न्यूज़ या जो भी सूचना वो प्राप्त कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो उसका एक अलग मीनिंग है यानी कि जैसे अगर वो रेडियो पे कोई न्यूज़ सुने या कोई मैसेज सुने तो वो उसका एक अलग ही अर्थ निकालेंगे बिल्कुल अलग अर्थ यानी कि अगर हम और आप नॉर्मली कोई मैसेज सुनेंगे कि कहीं पर कोई घटना हुई या कहीं पर किसी ने कोई बयान दिया तो हम उसे बहुत ही साधारण तरीके से उसी वे में देखेंगे जैसी वो घटना है लेकिन वो व्यक्ति जो डिल्यूजन जिसको है कहीं ना कहीं वो इसको इस तरह देखेगा कि वहाँ से जो मैसेज दिया जा रहा है उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है और वो मैसेज मुझे दिया जा रहा है यानी मेरे लिए वो मैसेज है और मुझे इंडिविजुअली उस मैसेज को आ, समझना है और उसके हिसाब से मुझे एक्ट करना है तो इस प्रकार के जो भ्रम हैं वो अक्सर इस तरह के इंडिविजुअल्स को होते हैं जो सीजोफ्रेनिया से या सीजोफ्रेनिया की समस्या जिनको होती है इसके बाद एक और जो इसका महत्वपूर्ण सिम्टम है आ, सीजोफ्रेनिया का वो है हेल्यूसिनेशन और विभ्रम जिसको कि हम कहते हैं अ सेंसरी एक्सपीरियंस दैट सीम्स रियल टू द पर्सन हैविंग इट बट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल परसेप्चुअल मोडेलिटी इसका अर्थ ये है कि हमें वो चीज़ होती हुई प्रतीत होती है जो वास्तव में वहाँ पर मौजूद नहीं है यानी कि परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस यानी कि हम उस चीज़ को देखते या सुनते या महसूस करते हैं जो वास्तव में वहाँ पर मौजूद नहीं है तो इस प्रकार की जो विभ्रम की स्थिति है जो हैल्यूशनेशन की जो कंडीशन है वो सिजोफ्रेनिया का एक प्रोमिनेंट सिम्टम होती है और ऐसे में जो व्यक्ति है उसको कई बार अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं या इस प्रकार की उसको विजुअल्स दिखाई देते हैं और उसको लगता है कोई उसको टच कर रहा है तो इस प्रकार के भी उसके मतलब सिम्टम्स में ये रिपोर्ट किया गया है जो सिज़ोफ्रेनिया के इंडिविजुअल्स हैं वो इस तरह की बातें अक्सर बताते हैं और यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है कि जो सीजोफेनिया है उसमें जो हेलुसिनेशन होता है उसमें जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं यानी कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं सिम्टम्स के तौर पे, और अमूमन ये देखा गया है कि जो सिज़ोफ्रेनिया जिन इंडिविजुअल्स को होता है वो उनमें से लगभग पचहत्तर प्रतिशत या उससे ज़्यादा लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि दे आर हैविंग ऑडिटरी हेलुसिनेशंस यानी कि वो कुछ आवाज़ें सुन रहे हैं जो कि उन्हें आ, ऐसा लगता है कि वो आवाज़ें वास्तव में वहाँ मौजूद हैं इसके बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि सामान्य जो व्यक्ति होते हैं जिनको सिजोफ्रेनिया की शिकायत नहीं है उनके अंदर भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये देखा गया कि उनके अंदर भी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कई बार उनके अंदर भी देखे गए हैं तो इस पर हम अभी इसके बाद चर्चा करेंगे उसके पहले हम हेलुसिनेशन से ही जुड़ी हुई और जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे जिसमें फिनोमिनोलॉजी ऑफ ऑडिट्री हेलुसिनेशन यानि एक ऐसा शोध किया गया जिसमें ये जानने का प्रयास किया गया कि जो ऑडिट्री हेलुसिनेशन हो रहे हैं उनका नेचर क्या है उसमें किस प्रकार से वो लोग उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो सीजोफ्रेनिया जिनको है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई उसमें पहली बात ये थी कि दैट जो वॉइस उनको सुनाई देती है यानी जो साउंड है वो नॉर्मल ऑडिबल साउंड उनको सुनाई देती है यानी वो कोई बहुत तेज़ आवाज़ नहीं होती बल्कि एक बहुत सामान्य आम बातचीत में जिस तरह की साउंड हम सुनते हैं उस तरह की साउंड उन्हें सुनाई देती है इसके बाद जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स ने जो रिपोर्ट किया और ये जो स्टडी हुई थी ये एक सिज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट्स का जो सैंपल था उन पर ये स्टडी की गई थी और उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स ने ये रिपोर्ट किया कि जो वॉइस या साउंड वो सुनते हैं वो फैमिलियर साउंड है यानी कि वो कोई ऐसी अपरिचित आवाज़ नहीं है बल्कि वो उनके किसी परिचित व्यक्ति की आवाज़ उन्हें लगती है और कुछ केसेस में कुट कुछ इंडिविजुअल्स ने ये भी बताया कि उन्हें लगता है कि ये आवाज़ भगवान की तरफ से आ रही है या फिर किसी शैतान की तरफ से आ रही है तो इस प्रकार के भी कुछ केसेस में लोगों ने रिपोर्ट किया परंतु ज़्यादातर ने यही बताया कि ये जो साउंड उन्हें सुनाई दे रही है ये एक फेमिलियर साउंड है तो इस प्रकार की कुछ फाइंडिंग्स थी जो बहुत इंटरेस्टिंग है रिगार्डिंग जो ऑडिट्री हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस करते हैं जो लोग सीजोफ्रेनिया से सफ़र करते हैं उसके बाद एक और स्टडी की गई जो न्यूरो इमेजिंग का तकनीक का इस्तेमाल किया गया यानी ब्रेन स्कैनिंग का उसमें इस्तेमाल किया गया और उसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने निकल कर आया और वो ये था कि दैट जो हमारे ब्रेन का वो एरिया जो स्पीच के रिकॉग्निशन uh, से जो संबंधित है यानी ब्रोकाज एरिया और वो एरिया जो हमारा स्पीच के प्रोडक्शन से संबंधित है उन दोनों के बीच में न्यूरो इमेजिंग स्टडीज जो हुई उसमें ये देखा गया कि जो वार्निकेज एरिया है वहाँ पर एक्टिविटी कम थी और जबकि जो ब्रोकाज एरिया है वहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा थी और इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्रेन का वो एरिया जो स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए आ, जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़्यादा एक्टिव है और वो एरिया जो स्पीच के कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कम एक्टिवेट है यानी कि अगर वो आवाज़ किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है तो हमें केवल उस आवाज़ का अर्थ निकालने पे हमारे ब्रेन को फोकस करना चाहिए यानी हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उस आवाज़ को कॉम्प्रीहेंट करने में लगनी चाहिए न कि हमारा जो स्पीच प्रोडक्शन का एरिया है वो उस समय एक्टिवेट होना चाहिए तो ऐसे में जो हमारा स्पीच प्रोडक्शन का एरिया है यानी ब्रोकाज एरिया वो एक्टिवेटेड दिखता है और कंपेयर टू वार्निकेज एरिया जो कि स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के लिए है उसका अर्थ लेने के लिए है वो एरिया कम एक्टिव दिखता है तो इससे कहीं ना कहीं ये भी साबित हुआ कि जो जो हम कह सकते हैं कि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो व्यक्ति महसूस कर रहा है या जो उसको फील हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो उसके अपने अंदर से जनरेट हो रहे हैं इसके बाद जो हमने बात की थी कि हेल्दी लोगों के ऊपर जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कि एक स्टडी में ये देखा गया कि कुछ इंडिविजुअल्स जब उनको उनके ऊपर ये स्टडी की गई एंड दे वर ऑल नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स उनको किसी भी तरह की कोई सिजोफ्रेनिया की कोई शिकायत नहीं थी और उनको जब दो अलग अलग टीम्स में बांटा गया और वहाँ पर उनको कॉफ़ी यानी अत्यधिक कैफीन का जो यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा जिनको स्ट्रेस था इस तरह के लोगों को आ, कुछ साउंड्स सुनाई दी गई उनको उनके एक हेडफोन के माध्यम से उनको कुछ साउंड्स सुनाई गई और उसके पूर्व में उनको एक गाना सुनाया गया था उस एक्टिविटी के जस्ट पहले तो उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको जब ये साउंड सुनाई दी गई तो उस समय क्या आपको वो गाना भी सुनाई दिया तो जब भी आपको ऐसा लगे कि वो गाना आपको सुनाई दिया है तो यू हैव टू प्रेस द बटन यानी कि आप केवल उस समय बटन दबा देंगे तो ऐसा देखा गया कि जो इंडिविजुअल्स ज़्यादा स्ट्रेस में उन्होंने रिपोर्ट किया खुद को कि वो पिछले एक साल से काफ़ी अधिक स्ट्रेस में है और साथ ही साथ वो हाई डोज ऑफ कैफीन भी लेते हैं यानी रेगुलरली वो चार से पाँच कप ऑफ कैफीन के जो भी ड्रिंक्स हैं वो लेते हैं तो इसमें देखा गया कि इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने ज़्यादा रिपोर्ट किया कि हमने वो गाना सुना जबकि वास्तविकता ये थी कि उनमें से किसी भी पार्टिसिपेंट को उस हेडफोन के माध्यम से वो गाना दोबारा सुनाया नहीं गया इसका अर्थ ये है कि जिन्होंने भी ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने वो गाना सुना है वो पूरी तरह से गलत रिपोर्ट किया यानी कि कहीं ना कहीं हम उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं तो इससे ये जो निष्कर्ष निकल कर आया कि वो इंडिविजुअल्स जो हाई स्ट्रेस में थे और साथ ही साथ वो हाई कैफीन यूज़र हैं उनके अंदर ऑडिट्री हेलुसिनेशन के जो सिम्टम्स हैं या जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर कम स्ट्रेस है या तो वो कम कैफीन यूज़ करते हैं इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर ऑडिट्री हेलुसिनेशंस के जो इंसिडेंस हैं वो कम देखने को मिले इसके बाद हम बात करेंगे आ, और सिम्टम्स की सीजोफ्रेनिया के और वो हैं डिसगेनाइज स्पीच यानी कि एक ऐसी अवस्था जहां पर व्यक्ति कोई भी अर्थपूर्ण बातचीत करने में असमर्थ होता है और इसका एक महत्वपूर्ण जो इसमें देखने को मिलता है एक सिम्टम वो है न्यूलॉजिज्म और न्यूलॉजिज्म का अर्थ यहां पर यह है कि नया प्रकार का शब्द यहां पर लोग बातचीत में उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो सीजोफ्रेनिया जिनको होता है या सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स जिनके अंदर देखे जाते हैं वो उनके अंदर इस प्रकार का वो यूज़ करते हैं एक शब्दावली जो पूरी तरह से नई होती है और उसका कोई अर्थ नहीं होता तो इस तरह की उनकी बातचीत में उनकी जो भाषा है उसमें इस तरह के शब्द निकल कर आते हैं और इसके बाद इसी से संबंधित कुछ और जो सिम्टम्स हैं उसमें एक है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर यानी कि इसमें जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसके अंदर जो थाट्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं और वही जो उसके डिसऑर्गेनाइज थाट्स हैं वही उसके स्पीच में डिसऑर्गेनाइज वे में निकल कर बाहर आते हैं यानी कि जो उसके थाट्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज नहीं हैं वो भी संगठित नहीं हैं इसलिए उनका कोई अर्थ नहीं होता और उसी तरह से जो उसका स्पीच जनरेट हो रहा है वो भी पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज होता है यानी मीनिंगलेस होता है इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर और यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट है वो व्यक्ति की जो डेली फंक्शनिंग है उसमें वो चीज़ देखने को मिलती है यानी रूटीन में वो व्यक्ति किस तरह से व्यवहार कर रहा है किस प्रकार से वो जो उसकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे खुद का ध्यान रखना हाइजीनिक रहना अपना जो कपड़े पहनना उनको ढंग अपने आप को ढंग से तैयार करना इस प्रकार की जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाता है और उसका जो बिहेवियर है वो डिसऑर्गेनाइज्ड दिखता है और ये जो उसका डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है वो पूरी तरह से दूसरे लोगों को आ, कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल होता है यानी जो उसके सामने जो भी लोग हैं चाहे वो उसके परिवार के हों या उसके दोस्त हों या कोई भी जो भी लोग होंगे वो उसको देखने के बाद आसानी से ये बता पाएंगे कि ये व्यक्ति इसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या है क्योंकि ये अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पा रहा है यानी जो उसकी नॉर्मल रूटीन लाइफ है ये उसका भी प्रॉपर हम कह सकते हैं उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब है इसके बाद इसी से संबंधित सिजोफ्रेनिया से आ, कुछ सिम्टम्स हैं जिनको नेगेटिव सिम्टम के तौर पर देखा जाता है और नेगेटिव सिम्टम जो हैं उनकी जो एक विशेषता है वो ये है कि ये बिहेवियर से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं यानी कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं परंतु सिजोफ्रेनिया के केस में ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये पूरी तरह से गायब हो जाती हैं यानी कि ये इफेक्टिवली या एफिशिएंटली हम नहीं कर पाते इसीलिए इनको नेगेटिव सिम्टम के तौर पर देखा जाता है और इसमें जो पहला है दैट इज़ फ्लैट और ब्लंटेड इफेक्ट और फ्लैट और ब्लंटेड इफेक्ट का यहाँ पर अर्थ ये है कि जो इंडिविजुअल होगा वो कहीं ना कहीं वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को ठीक तरीके से नहीं दर्शा पाएगा और इस वजह से कई बार लोगों को ये लगता है कि जो सामने जो व्यक्ति है जिसको सीजोफ्रेनिया का डिसऑर्डर है वो उनके साथ बहुत ही डिसइंटरेस्ट से पेश आ रहा है या उसको किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इससे संबंधित एक स्टडी भी आगे चल करके की गई और उस स्टडी में ये देखा गया कि क्या वाकई में जो लोग सीजोफ्रेनिया से सफ़र करते हैं या जो जिनको सिजोफ्रेनिया है क्या वाकई में वो किसी प्रकार का कोई इमोशन फील नहीं करते क्योंकि उनका जो इमोशनल डिस्प्ले है वो बहुत हद तक गायब हो जाता है या वो उतना उपयुक्त नहीं रहता तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि वो किसी इमोशन को महसूस नहीं कर रहे हैं तो इस पर जो स्टडी की गई उसमें ये देखा गया कि जो उनका इमोशनल एक्सप्रेशन है वो भले ही ना रहा हो यानी जो उनका इमोशनल एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से फ्लैट था लेकिन जो उनकी इमोशनल फीलिंग थी जिसको उन्होंने बाद में रिपोर्ट किया यानी जब उनसे पूछा गया तो जब उन्होंने बताया कि नहीं वो पूरी तरह से इमोशन फील कर रहे थे तो इसका अर्थ ये पता चलता है कि इस प्रकार के जो जो लोग सिम्टम्स जिनके अंदर होते हैं वो भले ही यहाँ पर ये प्रदर्शित होता है कि उन्हें कोई इमोशनल किसी प्रकार का कोई डिस्प्ले नहीं है परंतु उसके बावजूद वो इमोशनल फीलिंग उनके अंदर मौजूद होती है इसके बाद एलोगिया यानी कि इसमें लोग बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल बात नहीं करते और इसके बाद अगला जो नेगेटिव सिम्टम है वो है एवोल्यूशन और एवोल्यूशन से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सिजोफ्रेनिया से जूझ रहा है या जो सिजोफ्रेनिया जिसको है उस व्यक्ति के अंदर किसी भी कार्य को करने को लेकर के कोई भी एनर्जी उसके अंदर नहीं होगी कोई भी मोटिवेशन उसके अंदर नहीं होगा वो व्यक्ति कोई भी नया काम नहीं शुरू करेगा किसी भी प्रकार के काम को अगर शुरू करेगा तो उसको पूर्ण नहीं करेगा यानी कि वो पूरी तरह से डिसइंटरेस्टेड होगा किसी भी कार्य को करने को लेकर के पूरी तरह से उसकी जो एनर्जी होगी वो छीण हो जाएगी तो इस प्रकार की भी नेगेटिव सिम्टम्स देखने को आ, सीजोफ्रेनिया के के केस में मिलते हैं इसके बाद नेगेटिव सिम्टम से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज़ एनहेडोनिया यानी कि इसमें जो व्यक्ति है जिसको ये सिम्टम होगा या ये समस्या जिसको होगी वो प्लेजर महसूस करने में यानी कि वो किसी भी तरह का कोई जॉय नहीं महसूस करेगा कोई खुशी उसको नहीं होगी और वो जो भी चीज़ें उसके आसपास अच्छी होंगी वो ज़ाहिर सी बात है उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएगा तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स देखे जाते हैं ये ये सीजोफेनिया के ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स में अक्सर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती हैं और ये भी देखा गया है कि आगे चल कर के जो ट्रीटमेंट के जो हम कह सकते हैं कि जो संभावनाएं हैं वो उन पेशेंट्स की ज़्यादा होती हैं जिनके अंदर इसके पूर्व के जो सिम्टम्स की हमने चर्चा की जैसे डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन इस प्रकार की जो हमने चर्चाएँ की कहीं ना कहीं उनकी ट्रीटमेंट कंपेयर टू नेगेटिव सिम्टम्स वो काफ़ी मुश्किल होती है और नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं उसमें रिलैप्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं तो ये हमने अभी बातचीत की सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया की और इसके बाद अब हम बात करेंगे डायाथिस स्ट्रेस मॉडल ऑफ सीजोफ्रेनिया की और इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो कॉजेज़ हैं यानी कारण हैं सीजोफ्रेनिया के वो क्या हैं और ऐसे में जो हम देखते हैं मनोविज्ञान में कि कोई भी एक कंप्लीट हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है जिससे हम ये बता पाएं कि सीजोफेनिया किस कारण से हुआ लेकिन कहीं ना कहीं एक मिला जुला अप्रोच जिसमें हम ये देखते हैं कि सेवरल फैक्टर्स यानी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए सीजोफेनिया के सिम्टम्स या जो सीजोफेनिया का डिसऑर्डर है उसको हम कह सकते हैं कि वो कंडीशन के पीछे इन सभी फैक्टर्स का एक इंटरेक्टिव हम कह सकते हैं कि रोल होता है और ऐसे में जो पांच इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं उसमें पहला है जेनेटिक फैक्टर दूसरा है प्री इवेंट्स उसके बाद ब्रेन मैचुरेशनल प्रोसेसेस देन स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट मैचुरेशन प्रोसेस अगर हम इसको एक मॉडल के तौर पर देखें अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस मॉडल के अनुसार जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं यानी कि जो हेरिटेबिलिटी फैक्टर्स है जो हमें जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिल रहे हैं वो साथ ही साथ जो जन्म से पूर्व और जो गर्भावस्था के दौरान जो घटनाएं हो रही हैं वो सभी घटनाएं और उनका जो मिला जुला एक असर है वो हमारे ओवरऑल ब्रेन मैचुरेशनल प्रोसेस यानी कि जो हमारा ब्रेन का जो विकसित होने का जो जो ओवरऑल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उसमें जेनेटिक फैक्टर तो है ही और साथ ही साथ हमारे जो प्री यानी कि जन्म से पूर्व की जो फैक्टर्स हैं उसमें हमारे पेरेंट जो पेरेंट्स हैं उनकी एज या फिर उसके उसके पहले की जो उनकी हम कह सकते हैं हैबिट्स हैं या जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उस दौर में भी जो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जो ब्रेन की जो बनने की जो प्रक्रिया है इनिशियल फर्स्ट थ्री टू फाइव मंथ्स के बीच की उसको वो बहुत क्रिटिकली अफेक्ट करते हैं या कर सकते हैं उसका भी एक पूरा इफेक्ट होता है और उसके बाद जब वो इंडिविजुअल विद ऑल दैट प्रोननेस वो जब बाहर आता है इस वर्ल्ड में आता है तो उसके बाद जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं यानी जो स्ट्रेसर्स हैं उनका इंट्रैक्शन और साथ ही साथ जो मैचुरेशन प्रोसेस है यानी डेवलपमेंटल जो एक्टिविटी है उसका ओवरऑल उसमें जो एनवायरनमेंट का रोल है उसमें जो कॉन्टेक्चुअल जो जो कह सकते हैं जो फैक्टर्स हैं वो सभी चाहे वो न्यूट्रिशन से संबंधित हो चाहे वो किसी पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन से एक्सपोजर की बात हो जो कि उसके लिए पॉइजनस या किसी भी तरह की हो सकती है जो हार्मफुल हो सकती है तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जिसमें कि स्ट्रेस और ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस जो अदर फैक्टर्स हैं इन सभी का एक इंटरेक्टिव इफेक्ट होता है और वो सभी इफ़ेक्ट यहाँ पर उस इंडिविजुअल के ऊपर पड़ रहा है और उसके बाद दैट मे रिजल्ट इन साइकोसिस यानी कि सीजोफ्रेनिया तो इस तरह से ये जो मॉडल है यहाँ ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से जो वेरियस फैक्टर्स वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं आगे चल कर के टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सीजोफ्रेनिया तो इस तरह से सिज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो यूज़ में लाया जाता है इसके बाद आ, सीजोफ्रेनिया से ही संबंधित कुछ और आ, जो उसकी ट्रीटमेंट से संबंधित थोड़ा सा पार्ट जो हमारा इस सत्र में रह गया है उसको हम अपने अगले सत्र में आ, पूरा करने का प्रयास करेंगे और अपने सत्र नंबर ग्यारह में यानी लेक्चर नंबर इलेवन में हम इस डिस्कशन को वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक से वहाँ शुरू करेंगे तो तब तक के लिए आज इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आज मैं आप सभी को इस सत्र को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक यू